हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बहुत ज़्यादा लेट बहुत लेट हो गया है। देखिए टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, दिख रहा है आपको? तो बज गए हैं 10:45 रात के, तो अभी तक हम लोग सोए नहीं, बस हम लोग लेट ही सो रहे हैं। आज क्या हुआ, आज बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई थी अभी तक, और बच्चों को नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला चलो इतना एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो क्लास वर्क चल रहा है, क्योंकि कोई बात नहीं दिन में नहीं हुई तो अब रात में कर लेते हैं। और कल को संडे है, कल को उठने का भी ऐसा नहीं कि बच्चों को जल्दी उठना है, लेट उठना है। तो और वैसे हम लोग रामायण देखने लग गए थे, तो रामायण देखते देखते 10 तो वैसे ही बच जाते हैं, तो 9 बजे तक हम लोग डिनर करते हैं, फिर 9 से 10 हम देखते हैं रामायण। और मैं कोशिश करती हूँ किचन का काम रामायण देखने से पहले पहले ही फिनिश कर लूँ, क्योंकि फिर ना मन नहीं करता बहुत लेट किचन में जाके कुछ काम करो। तो आज बच्चों की पढ़ाई बच्चों ने की थी दिन में, बस रिवीजन नहीं हुआ, जो क्लास बात हो रहा है ना तो उसका एक बार रिपीट करा दो तो पक्का हो जाता है, तो वही बच्चों का अब चल रहा है। तो और इतनी लेट बात करने का है, हाँ जी, आज मैंने एक वीडियो शूट करी थी, तो एक रेसिपी बनाई थी, एक्चुअली रेसिपी क्या स्नैक समझ लीजिए बच्चों के लिए। तो आजकल हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको चॉकलेट्स नहीं मिल रही, चिप्स नहीं मिल रहे, और बच्चों की फेवरेट चीज़ क्या होती है, तो चॉकलेट होते हैं, चिप्स होते हैं, तो सभी बच्चों को चिप्स, पोटैटो चिप्स स्पेशली खाना बहुत पसंद होता है, तो बच्चों को लेज नहीं मिल पा रहे। देखिए कम खाएं, भाई हम चाहें बच्चों कम खाओ, लेकिन खाते तो सभी के बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे चिप्स खाते हैं, सभी के बच्चे शौक से चिप्स खाते हैं। और अगर उन्हीं चिप्स को बिल्कुल उसी स्टाइल में घर पर बना दिया जाए तो फिर बच्चों की हैप्पीनेस का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, और लॉकडाउन में भी बच्चों को वही टेस्ट मिल जाएगा और बच्चे खुश रहेंगे, और आप उनको स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो आज मैंने यही रेसिपी बच्चों के लिए बनाई है, लेज चिप्स आज हम बनाएंगे घर पे। उनको लेज नाम दे दिया गया पोटैटो चिप्स का को, लेकिन हम लोग उसी स्टाइल में बिल्कुल, और आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि वापस जो मतलब जो सॉल्टी वाले होते हैं ना, प्लेन सॉल्ट, वो वाले हम बनाएंगे आज। और बहुत ईजी रेसिपी है, और आप बहुत क्विक अपने बच्चों को बना के खिला सकते हैं। और देखिए जो मार्केट से पैकेट आता है, कितना छोटा सा पैकेट होता है, और उस पैकेट में कितनी कम क्वांटिटी में वो होता है, तो आपने उस कम क्वांटिटी में वो होता है, और तो देखिए उसकी क्वांटिटी भी कितनी कम होती है, इतने से चिप्स आते हैं पैकेट में, 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ के पैकेट में भी इतने से आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते, हवा भरी रहती है, तो हमारे पैसों पर पानी फिरने वाली बात हो जाती है। और बिल्कुल वही टेस्ट अगर हम बना के घर पर दें बच्चों को, तो देखिए कितना भी अच्छा आप ब्रांड का ले लो, कोई भी चीज़ ले, उसका ले लो, कोई हल्दीराम का ले लो, अंकल चिप्स का ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन जो घर के खाने की बात होती है ना, वो घर की होती है, जो हमने अपने हाथों से, अपने हाथों से जो बनाया हुआ होता है, हमें पता होता है कि हमने उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। दूसरा, आजकल तो कोरोना वायरस बाहर फैल रहा है, तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही पूरी पूरी नहीं मिल पा रही, तो बच्चों को चिप्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे। तो हम लोगों को, मम्मियों को सोल्यूशन निकालना है, अपने बच्चों को हैप्पी रखना है। तो आज मैंने बनाए चिप्स, आलू के पोटैटो के चिप्स, तो अब बहुत क्विक रेसिपी है। देखिए हर बार मैं चिप्स बना के रखती हूँ, फास्ट वाले जो चिप्स होते हैं उनको पहले कस लेते हैं, और वो आप लोग भी बनाते होंगे शायद, जो धूप में सुखाते हैं, लेकिन उन लोगों में उनमें झंझट बहुत होता है, फिर उनको स्टोर करके रखो, तो स्टोर करने के लिए भी उनको जगह चाहिए होती है, फिर कोई भी चीज़ स्टोर करके रखेंगे हम, और एक फ्रेश चीज़ का टेस्ट ही अलग होता है, तो ये हम बिल्कुल फ्रेश बनाएंगे। और ये वाले चिप्स आप कभी भी बच्चों को कोई बना के दे दीजिए, उनको हमेशा टेस्टी लगेंगे, और उन वाले चिप्स में वो टेस्ट नहीं आता, मेरे बच्चे वो वाले चिप्स शौक से नहीं खाते, ये जो आज मैं आपको बताऊँगी रेसिपी, ये वाले बच्चे हैप्पी हैप्पी खाते हैं, तो हो सकता है आपके बच्चों को भी बहुत पसंद हो चिप्स खाना। अगर बच्चों को चिप्स खाना पसंद है पैकेट वाले, तो यार घर पे बना के अपने बच्चों को खिलाइए, उनको खुश कीजिए, और आप भी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शेयर करते हैं, तो आइए चलते हैं किचन में और बनाते हैं पोटैटो चिप्स। तो पोटैटो चिप्स स्टार्ट करने से पहले वही मेरी बात जो मैं हर बार दोहराती हूँ, कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, और अगर रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं ये लॉकडाउन वाली, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि देखिए मैं जितनी भी रेसिपीज़ दे रही हूँ आपको, काफ़ी क्विक हैं, उनमें झंझट नहीं है। आपने देखा होगा जो मैंने आपको अभी बताया पीछे, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काफ़ी टेस्टी और बहुत इजी है, बस बनाने का तरीका आना चाहिए, जो मैंने आपको सिखाया। इससे पहले मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाए, वो भी बहुत क्विक है, और वो भी बच्चों के लिए, किड्स किड्स स्पेशल। उससे पहले मैंने पंजीरी बनाई थी, पंजीरी में तो टाइम लगता है, लेकिन मिठाई खाने की जब इच्छा होती है ना, जिनको मीठा पसंद होता है उनके लिए टाइम ना टाइम कुछ नहीं होता, वो अपने टेस्ट के लिए सब बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं बच्चों के लिए पोटैटो चिप्स, और बच्चों के लिए नहीं यार, बड़े भी खा सकते हैं स्नैक्स के रूप में टी टाइम पे, क्योंकि हम लोग भी आजकल घर पे हैं, बाहर जाना कम हो रहा है, हस्बैंड्स घर पे हैं, तो उन लोगों को यही डिमांड रहती है फैमिली मेम्बर्स को कि कुछ बना लो यार, कुछ अच्छा टेस्टी बना लो, कुछ बना लो। आपके घर में भी यही चल रहा है ना, क्योंकि देख लीजिए यूट्यूब पे या कहीं भी आप देखिएगा, लोगों के घर में रेसिपीज बहुत बन रही है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये सोचने लगो कि हाँ देश में खाने का काल बढ़ा है, नहीं यार, अगर हम लोगों को टाइम पास करना है और खाना तो फिर भी देखिए हम बनाएंगे ही खाएंगे, तो कुछ ऐसा ना बना लिया जाए जिसमें फैमिली में खुशी बनी रहे, फैमिली के लोग हैप्पी रहे, क्योंकि आप अपनी फैमिली का ही वो ले लीजिए ना, मतलब पूरी दुनिया को तो हम नहीं संभाल सकते ना, क्या चल रहा है बाहर, लेकिन अपनी फैमिली को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम वो पूरी करनी चाहिए, तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं पोटैटो चिप्स। बहुत बातें हो गई हैं, बातें बंद करते हैं, काम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और ये मैंने आलू ले लिए हैं कुछ, आलू को वॉश कर लेना है, इनको छील लेना है, फिर इनसे हम पोटैटो चिप्स बनाएंगे। तो अगर आलू आप हमेशा ट्राई करें कि सोना वाले चिप्स वाले जो होते हैं सोना चिप्स वही लें, और नहीं मिलते तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे पानी का मॉइस्चर, मतलब आलू का मॉइस्चर हट जाएगा। तो ये मेरे पास तो जो आलू मिले मुझे लॉकडाउन में वही मैंने ले लिए, पता नहीं ये चिप्स वाले हैं या नहीं, लेकिन इनसे भी हम क्रिस्पी और अच्छे चिप्स बनाएंगे। बस कोशिश कीजिएगा चिप्स बड़े, मतलब आलू बड़े साइज़ के हों, जिससे बड़े बड़े सुंदर सुंदर चिप्स बन सकें। तो ये मैंने कुछ आलू ले लिए हैं, लगभग इक्वल साइज़ के छांट के लिए हैं, तो मैंने सारे आलू छील लिए हैं और लगभग इक्वल साइज़ के लिए हैं। इक्वल साइज़ लेने मतलब देखिए थोड़े छोटे बड़े तो हैं, लगभग मिलते जुलते साइज़ के लिए हैं, बहुत छोटे और बहुत बड़े नहीं लिए, जिससे चिप्स एक ही आकार के आएंगे। तो मैंने सारे चिप्सों को छील लिया, अब मैं इसको सबको कद्दूकस में या ग्रेटर में इस तरह से चिप्स वाले ग्रेटर में ग्रेट कर लूँगी इनको ऐसे करके। देखिए बिल्कुल एक एक चिप्स इकसार आ रहा है। तो मेरे पास दूसरा स्टील वाला भी है, लेकिन उसमें इतने अच्छे नहीं आते, इस वाले में बहुत अच्छे चिप्स बनते हैं, एकदम इक्वल आता है और बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे से इसमें काम होता है। तो ये सारे आलू के जितने भी स्लाइस हैं इनको मैं एक कपड़े पे फैला लूँगी। उसको फैलाने से ये फ़ायदा होगा कि जितना भी मॉइस्चर इसके अंदर है ना, वो ये कपड़ा सारा सोख लेगा, और वही हमें करना है। जितना ड्राई हमारा आलू रहेगा चिप्स उतना क्रिस्पी और उतना फरफरारा सा और एकदम लाइट बन के। देखिए मैंने सारे चिप्स इस पर फैला लिए, सारे मतलब थोड़े थोड़े करके फैलाती जाऊँगी, और एक कपड़ा हैंकी जो मेरे किचन के हैं साफ, ये मेरे किचन के यूज़ के ही साफ हैं, तो इनको ऊपर से एक से ऊपर से दबाऊंगी, जिससे जितना भी मॉइस्चर है सारा कपड़े में आ जाएगा, बिल्कुल ये लिक्विड जितना भी है सारा कपड़ा सोख लेगा। और उसके बाद में फिर मैं इसको कढ़ाई में डालूंगी, तो कढ़ाई में डाल के ट्राई कर लेती हूँ कि ये तेल गरम हुआ है नहीं। तो ऑयल मेरा गरम हो चुका है, तो एक पहले एक डाल के आप भी देख लीजिएगा अगर आप चिप्स बना रहे हैं, नहीं तो कई चिप्स ख़राब हो जाएंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो पहले मैं गैस को तेज से ऑयल कर लेना, जैसे पूड़ियों का ऑयल आप गरम करते हैं उस तरह से गरम कर लेना, और बाद में उसको सिम कर देना है, यानी कि पहले गरम और फिर हल्की सिम पे उसको सेकना है, जिससे क्रिस्पी चिप्स बनेंगे। तो आप देखिए मेरा पता चल गया, मुझे ऑयल गरम हो गया, तो मैं एक एक करके सारे चिप्स में इसमें डाल लूँगी और फिर उनको फ्राई करूँगी। तो पहले इसको निकाल लेती हूँ, नहीं तो ये जल जाएगा। तो इस तरह से मैं एक एक करके ये सारे चिप्स इसमें डाल लूँगी, और आपको यकीन नहीं आएगा एकदम इतने क्रिस्पी चिप्स बनेंगे, आप बना के ज़रूर देखिएगा। आपके अगर घर में बच्चे छोटे हैं या फिर आपको भी पोटैटो चिप्स खाने का काफ़ी शौक है, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि पोटैटो चिप्स मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा कि जिसको खाने पसंद नहीं होंगे, और वो भी मार्केट वाले ना। तो ये मैं सारे जो मैंने इसमें डाल के रखे हैं इनको मैं हल्के हल्के से हाथ से प्रेस कर लूँगी, जिससे सारा मॉइस्चर इसके अंदर आ जाए, जितना भी लिक्विड है पानी है इसका आलू का, और फिर ये एक एक करके कढ़ाई के अंदर डालूँगी, और एकदम फरफरारे से हल्के फुल्के चिप्स बन के तैयार होंगे, जैसे कि हमारे लेस के पैकेट में आते हैं ना, और उसमें अंकल चिप्स में आते हैं, सेम वही बनेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे। तो मैं एक एक करके सारे चिप्स इसमें डालूंगी, और ये चिप्स हमारे काफ़ी अच्छे बन के तैयार हमें मिलेंगे। तो बच्चों की तो फेवरेट चीज़ होती है पोटैटो चिप्स, मेरे बच्चों को पोटैटो चिप्स खाना काफ़ी पसंद है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनको भी खाना पसंद है, तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी और क्विक रेसिपी है। कभी कभी स्नैक टाइम में इवनिंग में आप बना सकते हैं, खा सकते हैं, तो थोड़ा टेस्ट भी चेंज होते रहना चाहिए, और मार्केट की चीज़ों से हमें थोड़ा बच के ही रहना चाहिए, है ना। और इस टाइम पे तो खासकर, और आगे के लिए भी यार, ऐसा नहीं है कि अभी हमें मार्केट की चीज़ें नहीं खानी, आगे भी हमें कोशिश यही करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये बीमारी इतनी जल्दी तो जाने वाली है नहीं, तो बाहर की चीज़ों को कम खाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि चीज़ें हम घर पे ही बनाएं और उनको घर पे ही बना के अपने बच्चों को अपनी फैमिली को खिलाएं। तो इस तरह से हम सारे चिप्स अपने बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसको,
और यहाँ पे मैंने ये ऑडियो मिक्सर को साइलेंट कर लिया तो मुझे याद नहीं रहा, बाद में याद आया। तो देखिए मैंने आपको तोड़ के दिखाया ना कि कितना क्रिस्पी बना है ये, मतलब ये मैंने तोड़ के आपको इसलिए दिखाया जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हाँ ये कच्चा नहीं रहा, बिल्कुल क्रिस्पी बना है और जला भी नहीं है और बिल्कुल मार्केट के टेस्ट जैसा, सेम जैसे हम पैकेट लाते हैं अपने बच्चों के लिए सेम वही टेस्ट आएगा। तो ऐसे ही मैं करके, ऐसे बहुत ज़्यादा कढ़ाई में नहीं डालना, एक 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 करके अलग अलग डालना है चिप्स को जिससे आपस में चिपके नहीं, और बहुत ज़्यादा एक साथ चिप्स फ्राई नहीं करने, थोड़े थोड़े करके करने हैं जिससे चिपसे नहीं और चिपके नहीं और आराम से थोड़े थोड़े करके ये सब फ्राई हो जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात है फ्लेम का ध्यान रखना, हमें अपनी फ्लेम का ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम कम रखनी है ज़्यादा रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा या कम भी हो जाएगी तो फिर उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जल जाएंगे ज़्यादा तेज़ होगी तो, और अगर हल्की होगी तो फिर कच्चे रह जाएंगे। तो आपको मीडियम फ्लेम पे करना है, और अगर आपको लग रहा है कोई कोई चिप्स आपके जल्दी हो रहे हैं तो उनको बीच बीच में निकाल देना, जैसे मैंने निकाल दिया, उनको जलने नहीं देना है। क्योंकि इतना आइडिया तो हम लोगों को पूड़ी वगैरह बनाते हुए या फ्राई करने का हो ही जाता है ना कि चीज़ बन गई है या नहीं, और वैसे भी ये जब आप इनको हिलाएंगे तो हिलाने पे आपको बिल्कुल हल्के हल्के महसूस होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि चिप्स हमारे फ्राई हो गए हैं, तो सारे ये फ्राई हो गए हैं। तो देखिए मेरी कढ़ाई थोड़ी तेज़ हो गई थी, थोड़े रेड रेड हो गए, तो इस तरह से ही और भी डाल लूँगी मैं चिप्स, और एक 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 करके डालेंगे तो आपस में चिपकेंगे नहीं और बहुत अच्छे से करारे से बनेंगे। तो देखिए एक दो चिप्स मैंने दो एक साथ डाल के भी दिखाए आपको, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इकट्ठे डाल दोगे तो क्या होगा, इकट्ठे डाल दोगे तो चिप्स बेकार हो जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो अगर अलग अलग डालोगे तो एक चिप्स अलग अलग और बड़ा अच्छा खिला खिला बनेगा। तो यही है आजकल लॉकडाउन में फैमिली के साथ यार इंजॉय कीजिए, अच्छा टाइम मिला है लाइफ में, और तो ज़िंदगी में जो होना है वो होना ही है, तो कुछ इंजॉय करते रहना चाहिए, लाइफ को फुल इंजॉय करना चाहिए, जीना चाहिए। और बच्चे डिमांड कर रहे होंगे आपके भी कि चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए। मेरे बाकी बचे हुए चिप्स थे उनको भी मैंने इस कपड़े पे फैला लिया है, और ऐसे ही देखिए मैं प्लेट में उतार लिया, काफ़ी सारे चिप्स मेरे बन गए। तो ये मैंने इतने आलू के जो आपको दिखाए थे उतने बनाए, तो एक अच्छी सारी बड़ी प्लेट बन के तैयार हो गई है मेरे बच्चों के लिए। तो एक छोटे से पैकेट में आपने देखा होगा, छोटे से मतलब एक 20 रुपीज़ के पैकेट में भी कितने कम चिप्स आते हैं, मार्केट के आधी से ज़्यादा तो हवा ही भरी रहती है, और हम उस हवा के ही पैसे देते हैं, कभी हम घर पर ट्राई नहीं करते। और इस बार ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि कितना लूटते हैं पैकेट में चिप्स खरीदते हैं जब हम। और ये बहुत ईजी है बनाने और अच्छी क्वान्टिटी में बन जाते हैं जब हम घर पर बनाते हैं, घर की बनी चीज़ों का मज़ा ही कुछ और आता है, हम अच्छे से खूब मन तन भर के खा लेते हैं और अच्छे से इन्जॉय करते हैं। और यार हम लोगों को नई चीज़ों को ट्राई करते रहना चाहिए, कुछ कुछ नया नया बनाते रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ डिफरेंट नया करना, कुछ डिफरेंट करना बहुत ज़रूरी है। एक सी लाइफ चलती रहेगी तो बोर चलती रहेगी। तो यार आपको अगर किसी की, मुझे तो खाना बनाने का शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं नई नई चीज़ें ट्राई करूं, फिर उनको खिलाऊं, मुझे शुरू से ही काफ़ी शौक़ है इस चीज़ का। तो अगर आपके अंदर, अगर हम लोगों को शौक़ है नई नई चीज़ों को करने का, तो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैं तो ट्राई करती रहती हूँ। और देखिए कितनी अच्छी क्वांटिटी में ये बनके तैयार हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़े से बने हैं, मैंने आपको दिखाए थे कितने आलू कट किए थे और उनके इतने सारे बन गए उनके। तो बच्चे काफ़ी मज़े से खाएंगे, ये समझ ले कि बड़े बड़े जो 40-40 वाले हैं वो 2-3 पैकेट भर के चिप्स मेरे बन गए हैं, पता नहीं आपको उससे। और देखिए मैं आपको इसलिए बार बार उठा के दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाएगी कितने क्रिस्पी हैं, एकदम क्रिस्पी बन। तो फ्रेंड्स अगर चिप्स बन गए हैं तो चिप्स के साथ चाय भी बनानी पड़ेगी, तो चाय भी बना ली हमने, और देखिए तोड़ के कितने क्रिस्पी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा। फिर नए ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय फ्रेंड।